See, there are 600 different varieties of aloe vera. Only a single variety, millennial barbandized variety, which is eatable. And we have our farm where we grow the all herbs organically. So this is from our farm, from farm fresh aloe vera. अगर एक नेचुरोथेरेपिस्ट डॉक्टर काफ़ी सारे पेशेंट्स को ट्रीट कर सकता है सो वी हैव सो मैनी डॉक्टर्स ओवर हियर. आप सी देर इज़ नो कंपल्शन के आप प्रोफेशनली भी चालू करो या ना करो. आप सोसाइटी को हेल्प कर सकते हैं, अपनी फैमिली राइट अपनी फैमिली को हेल्प कर सकते हैं. सो ऑल दिस आर लाइक दैट. सो इसीलिए नेचुरोपैथी आज जैसे सर ने कहा इट्स अ बूमिंग इंडस्ट्री. यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन नेचुरोपैथी. सबसे अच्छी चीज़ है नेचुरोपैथी में ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट. इफ़ यू डू थॉरली ऑनेस्टली और समझ के करते हैं तो देर इज़ नॉट अ सिंगल साइड इफ़ेक्ट इन नेचुरोपैथी. यू जस्ट से द पीपल लाइक हाउ टू लीव योर लाइफ. बस यही सिखाना है हम और आप सब लाइफ अच्छे से ही जी रहे हैं. हाँ कहाँ कहाँ कुछ कमी कुछ लूपहोल्स कुछ है दैट विल क्लियर. ओके सो हाँ એ મને આપી નથી મેં શિવને કીધું હતું. અને જ્યુસ એલોવેરા અને ડિટોક્સ. બિફોર વી સ્ટાર્ટ એનીમા પ્રેક્ટિકલ હમ દેખે જૈસે હર ટાઈમ હમ નેચુરોપેથી કી બાત કરતે તો નેચરલ હર્બ્સ ભી સાથ મેં રહેતે હૈ. જૈસે આપ કોઈ ભી પથ્થી મેં જાતે હૈ તો ઉનકી એક સ્પેસિફિક મેડિસિન્સ રહેતી હૈ. વૈસે હી નેચુરોપેથી મેં ભી થોડે સે હર્બ્સ રહેતે. દીઝ આર ધ સપ્લિમેન્ટ્સ और वी हैव दिस थिंग्स यहाँ पे हमारे पास है. तो आपको यहाँ पे हम वो सब चीज़ें दिखाएंगे उसका यूज़ कैसे होता है और किस किस डिजीज़ में वो यूज़फुल है. हम वो एवरी टाइम दो से तीन हर्ब्स का डिस्कशन करेंगे सो दैट मैक्सिमम लेवल पे हम हर्ब्स को कवर कर सकते हैं राइट. सो आज का जो है हम टॉक्सिन्स की बात कर रहे थे राइट. तो टॉक्सिन्स मीन्स हम डिटॉक्सिफिकेशन की बात कर रहे थे. सो डिटॉक्स के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है एलोवेरा. You all know. No, aloe vera is, of course, see there are 600 different varieties of aloe vera. Only a single variety, millennial barbandized variety, which is eatable. And we have our farm where we grow the all herbs organically. So this is from our farm, from farm fresh aloe vera. Millennial barbandized. सो दिस इज एलोवेरा. और इसमें एलोवेरा में जो 650 जो अलग अलग है जो बाहर मिलते हैं समझो वो भी आप ले सकते हैं तो उसको आउटर यूज़ कीजिए. स्पेसिफिकली खाने के लिए जूस के लिए स्पेसिफिक वेराइटी रहेगी उसका बेनिफिट ट्रेमेंडस रहेगा. और बाकी जो बाहर मिलती है जैसे आपको समझ में नहीं है आप ले सकते हैं परचेस कर सकते हैं बाहर प्लांटेशन थोड़ा कर सकते हैं. मगर उसमें वो बाहर के लिए कभी हेयर के लिए लोग लगाते हैं स्किन में लगाते हैं तो आउटर के लिए वो चलेगा. वो स्पेसिफिकली ये जो आपको बताया कि नेम वो उसके लिए है. दिस इज ईटेबल वैरायटी. ईटेबल क्यों है और ये वैरायटी कि उसको ग्रोइंग भी हम लोग खुद कर रहे हैं फार्मिंग में. उसको पूरा प्लांटेशन होता है फिर एक एक लीफ ले लेते हैं. उसको कुछ भी केमिकल्स नहीं रहता है. पानी भी इसको तो कम रहता है और ज़्यादातर से हम लोग गाय का ही हमारे पास गाय भी है काउडंग तो काउडंग का ही उसमें यूज़ करते हैं. एक्चुअली उसमें ज़्यादा खाद भी नहीं चाहिए थोड़ा बहुत भी रहता है तो उसका वो ग्रो होता है धीरे धीरे. और इसमें तो आपको आप ऑलरेडी गूगल में और चेक करेंगे इसका बहुत ही बेनिफिट है. लेकिन सर हमें घर पर करना हो तो कैसे प्लान में कर सकते हैं. कर सकते हैं आउटर के लिए आप जो भी है यूज़ करो हेयर में स्किन में. इंटरनल जैसे कि जूस है या तो लोग इसे काट के ले लेते हैं दो दो चम्मच तो वो एक्चुअली स्पेसिफिक आपको ये रहेगा बर्बेडाइन करके जो वेराइटी है वो तो बेनिफिट रहेगा उसको. नहीं नहीं मेरा सवाल ये जो क्या है घर पर यूज़ कर सकते हैं. देखो कोई कंपल्शन नहीं है. प्रॉब्लम कहाँ पर आता है मैं जल्दी बता दूँ.
जैसे आपने ग्रो में किया तो कुंडे में किया, उसमें अच्छा कि आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, रेगुलर उसको थोड़ा मट्टी चेंज करना पड़ेगा और उसमें थोड़ा अच्छा तरह से खाद डालना पड़ेगा। कभी कभी क्या एटमोसफेयर पॉल्यूशन के हिसाब से कभी नहीं होता है, कभी ग्रो चांसेस कम रहते हैं जनरली। जो मट्टी में जो ग्रो होगा वो तो अलग ही होगा जनरली, और इसके लिए आप रह सकते हैं, मगर बाहर के लिए स्किन और उसमें यूज़ करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिखने में एलोवेरा सब सेम रहते हैं, यू कैंट जज के ये कौन सा वैरायटी है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल एज ही सेड और आई सेड के हम खुद ग्रो करते हैं, सो वी हैव दैट प्लांटेशन। सेकेंड, इन देर आर डिफरेंट फ्लावर्स, जैसे मिलेनियम बर्बनडाइज वैरायटी है जिसमें वाइटिश और येलोइश जैसे फ्लावर्स आते हैं, दैट इज द ओनली थिंग यू कैन सी। लाइक हम लोग जब जो प्लांट आते हैं समझो, हम लोग चेंज करते हैं विद इन 2 to 3 years लग रहा है, हम लोग प्लांट्स का पूरा एनालिसिस, अभी तो साइंस बहुत बढ़ गया है तो पूरा प्लांट लेके पूरा एनालिसिस करते हैं कि कंटेंट्स क्या है, उसके बाद में हम लोग ग्रोइंग करते हैं जनरली उसमें। और इसमें क्या रहता है, एक बार समझो हम लोग ने प्लांट ले लिया तो कुछ मेजर प्रॉब्लम हो गया है तो ही हम लोग को रिवर्स प्लांटेशन वापस करना पड़ता है, नहीं तो उसके छोटे छोटे जो रहते हैं ना, हम लोग वापस एक एकड़ में लगाया तो वापस उसको वहाँ से लेके हम लोग दूसरे एकड़ में दूसरे चेंज सॉइल चेंज हो जाता है तो उसको बूस्टिंग मिलता है, बेस मिल जाता है। अभी देखिए एलोवेरा वैसे जनरल नॉलेज सबको मालूम है क्या है, मगर जब भी आप यूज़ करेंगे ना प्रैक्टिकली तो आपको समझ में आएगा कि इसका बेनिफिट क्या है बॉडी के लिए। हार्ट, लीवर, किडनी क्लिंजिंग करने के लिए वर्ल्ड में सबसे बेस्ट चीज़ है, सबसे सस्ती चीज़ है, सबसे बेस्ट है। आप ट्राई करिए खुद कभी भी, वेट लॉस से जो वेट लॉस करके आप कितने बड़े बड़े डॉक्टर्स जो है यूज़ करते हैं, इंटरनल वो लोग यूज़ करते हैं ये चीज़, और उनका बेनिफिट हम लोग को। डॉक्टर रानावत वन ऑफ द बिगेस्ट डॉक्टर अपना ये एरिया में पूरा अंधेरी से, रानावत डॉक्टर है, उनकी वाइफ अपने पास आती है बोलता है एलोवेरा ले लो मैं यूज़ करती हूँ। वो खुद रानावत जब भी कैंसर या तो कुछ होता है तो गिलोय और वो उसके जूसेस के लिए हमारे पास उनके पेशेंट भेजते हैं। तो इसमें क्या है बेनिफिट बहुत है, मगर आपको एक अभी 5-6 हर्ब्स है, हम लोग ज़्यादा डीप है क्योंकि हज़ारों वनस्पति है, इतना आप जाएंगे तो खुद कर। इसमें हम लोग लास्ट 50 सालों से हम लोग ने रिसर्च किया है कि भाई ये चीज़ है अच्छी चीज़ है, साथ में हम लोग ने नहीं किया है वर्ल्ड ने किया है। वर्ल्ड इसके अंदर जैसे बियर रहता है फॉरेन में इसका टीन में जूसेस मिलता है, बराबर है। तो आप जब ये रेगुलर थोड़े टाइम यूज़ कीजिए, बाकी सब माइंडसेट बंद करके समझो एक एलोवेरा पे स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट करिए, तो ये जब चालू करेंगे ना आप थोड़े टाइम के बाद आपको अलग अलग समझ में आ जाएगा बॉडी में क्या चेंज, आपको फ्रेशनेस आएगा, आपका डाइजेशन क्लीन हो, ऑटोमेटिक पेट साफ हो जाएगा। सबसे बेस्ट कुछ करना, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं, थोड़ा मगर इनिशियली खुद को आपको यूज़ करना पड़ेगा। जब आप खुद यूज़ करेंगे तो बाकी लोगों को समझ में आएगा कि आप प्रैक्टिकली बता सकेंगे इसका बेनिफिट क्या है। डायरेक्टली यू कैन हैव इट और यू कैन हैव दिस टाइप ऑफ एलोवेरा जूसेस। बहुत लोग हमारे पास में क्या करते हैं, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, किसी को टाइम नहीं है, काटते हैं थोड़ा ये बाहर का निकालते हैं और इंटरनल जो पल्स है पल्स है ना वो पूरा यूज़ 2-2 चम्मच 3-3 चम्मच करते हैं। सेकंड ऑल्टरनेट इसका है कि जूस समझो, ये जो हम लोग जूस बनाया है विदाउट प्रिजर्वेटिव 10 डेज मिनिमम रहता है, कोई केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट 100 ml ले सकते हैं हम लोग, आप घर पे भी बना सकते हैं, इसमें कोई सीक्रेट ऑफ सीक्रेट नहीं है घर पे। तो ये 10 से 15 दिन रहता है, मगर हम लोग 10 दिन बोलते हैं, समझो रात को आप 100 ml लेके खाना खाने के बाद में लेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉर्निंग में लेंगे। सबसे बेस्ट नेचुरोपैथी और हर्ब्स में एक बेनिफिट है कि कभी भी ले सकते हैं, थोड़ा आगे पीछे होएगा कोई नहीं, ऐसा नहीं कि वो ये होने के बाद में खाली पेट लेना है। हाँ, स्टार्टिंग कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आपको समझ, सामने जो पेशेंट है अभी डायबिटीज़ पेशेंट है तो हम लोग उसको स्पेसिफिक बोलते हैं अभी थोड़ा खाना, बाकी जनरली इसका कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ये चीज़ में, आप कभी भी कुछ भी ले सकते हैं, थोड़ा बेनिफिट कम मिलेगा मगर बाद में आइडिया तो आ जाएगा आपको। देखिए पॉइजनस नहीं है, लोग इसको भी ये जो बाहर का है, जैसे आप केला खाते हो तो हम लोग क्या केला को फेंक देते हैं, बहुत लोग उसको केले का जो छाल को भी खाते हैं, ये पॉइजन। हाँ, मगर इसमें क्या है, अभी पॉइजनस क्यों है, क्योंकि ऑर्गेनिक नहीं है, सब में केमिकल डाल के बड़ा इतना बना के रख दिया और आपने ले लिया समझो, तो वो अच्छा नहीं है क्योंकि वो केमिकल्स अंदर चले जाएंगे डायरेक्टली बॉडी में। तो
बेटर है कि आप इंटरनली उसका जो पल्प है वो यूज़ करेंगे तो बेस्ट है।